हेलो फ्रेंड, इलाहाबादी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मखाना का मसाला डोसा, जो खाने में बहुत टेस्टी और हेल्दी है। इसके लिए हम एक कटोरी मखाना लेंगे और उसे मिक्सर जार में डाल देंगे, और आधा कटोरी बेसन लेंगे और उसे भी जार में डाल देंगे, और उसके बाद उसमें 2-3 चम्मच दही डालेंगे। और दही डालकर आधा चम्मच नमक डालेंगे और सभी चीज़ों को अच्छी तरह से बारीक पीस लेंगे। यदि पानी की आवश्यकता पड़ी तो थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे। अब पिसे हुए पेस्ट को हम एक बाउल में निकाल लेंगे। आवश्यकता अनुसार पानी डालकर डोसे का परफेक्ट घोल तैयार कर लेंगे। अब हमारा घोल बनकर तैयार हो गया है। घोल ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ज़्यादा पतला है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे, जिससे उसमें पिसे हुए मखाने अच्छी तरह से फूल जाएं। अब डोसा बनाने के लिए हम गैस पर एक तवा रखेंगे। तवा आप किसी भी तरह का यूज कर सकते हैं, पर नॉनस्टिक तवे पर डोसा अच्छी तरह से परफेक्ट बनेगा और आपका डोसा चिपकेगा भी नहीं। अब तवा हमारा गर्म हो गया है, उसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे और उसके बाद 1 बड़ा चम्मच तैयार बैटर को डालेंगे और उसे अच्छी तरह से फैला देंगे। और इसे हम ऊपर से कवर कर देंगे। कवर करके जब तक ऊपर की सतह ड्राई ना हो तब तक पकाएंगे। आँच को स्लो रखेंगे। अब हमारी डोसे के ऊपर की स्किन ड्राई हो गई है। अब हम 1 चम्मच की सहायता से इसे चारों तरफ से निकाल लेंगे और उसके ऊपर पहले फ्राइड आलू डालेंगे, फिर प्याज और उसके बाद टमाटर डालेंगे और हरी धनिया डाल लेंगे और इसे हम फोल्ड करके सावधानी पूर्वक प्लेट पर निकाल लेंगे। इसी तरह हम अपने सारे डोसे बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हमारे डोसे बनकर तैयार हो गए हैं। आप इसे मनपसंद चटनी और सॉस के साथ खा सकते हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी और एनर्जी से भरपूर हैं। इसे आप ज़रूर ट्राई करिए, ये आपको बहुत ही पसंद आएंगे। यदि आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।